Hey guys, welcome back to my channel. Hope you all are doing very great. तो आज मैंने लिए छुट्टी हॉस्टल से और सोचा क्यों ना इस छुट्टी को थोड़ा सा यूटिलाइज़ किया जाए. तो आज मैं सोच रही हूँ कि हम लोग जाएँ दुर्गेश्वर मंदिर, जो कि ये मेरे घर से बहुत ही ज़्यादा पास है, मतलब कि 2 से 3 किलोमीटर ही दूर होगा मेरे घर से. तो वहाँ चलते हैं और अभी बज रहे हैं 5 PM, तो वहाँ पर जाते हैं और दर्शन करके आते हैं. और ये जो मंदिर है वो बहुत ज़्यादा प्रसिद्ध मंदिर है, इसकी बहुत ज़्यादा मान्यता है. इसी मंदिर में रावण जी ने वहाँ पर पूजा की थी और ये मंदिर रावण जी के जो पिता थे उन्होंने ही बनाया था. तो चलते हैं वहाँ पे और दिखाती हूँ कितना अच्छा लगता है देखने में. सो गाइस, निकलने के लिए मैं रेडी हो गई हूँ और साथ में ले लिया स्कार्फ, मास्क, जो कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. तो चलो चलते हैं. कॉलोनी से बाहर निकलते ही हमारे यहाँ लगता है ये मार्केट. और पहले तो ये लगता नहीं था इतना, बट लॉकडाउन से लोगों को बहुत ज़्यादा नुकसान हुआ है, उसकी वजह से ये लोग ज़्यादा ही लगाने लगे हैं. अब तो डेली ही लगता है यहाँ पे मार्केट, वैसे वेंसडे लगता था. एंड गाइस, जो मंदिर है वो मेरे घर के बहुत ही ज़्यादा पास है. और ये जो मंदिर है वो केलावट्टा के बिल्कुल साइड में ही है. और गौशाला फाटक को पार करते ही ये मंदिर आ जाता है. एंड गाइस, आज मौसम भी काफ़ी अच्छा हो रहा है, हवा भी चल रही है और धूप भी नहीं है, तो आज दर्शन भी हम लोग आराम से कर लेंगे. और अभी हम लोग पहुंच भी गए हैं गौशाला फाटक, ज़्यादा टाइम नहीं लगा हमें पहुंचने में. सो गाइस, फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं दुर्गेश्वर मंदिर और ये है मंदिर का मेन गेट. मंदिर के मेन गेट पे ही आपको ये प्रसाद की दुकान मिल जाएगी. यहाँ पे आप लोग प्रसाद ले सकते हैं और प्रसाद शुरू होता है 11 रुपये से और आप कितने भी रुपये का ले सकते हैं. मंदिर में एंटर करते ही यहाँ पे सर्कल मिलेंगे और यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ध्यान रखा गया है. तो अब चलते हैं मंदिर की ओर. और मंदिर में एंट्री लेते ही हमें यहाँ पे आचार्य जी मिल गए थे. उन्होंने हमें इस मंदिर के बारे में, इसकी हिस्ट्री के बारे में थोड़ा सा बताया था. आप लोग भी जानिए इसकी हिस्ट्री उनकी जुबानी. जी, ऐसा है, यहाँ पर दुर्गेश्वर नाथ मंदिर प्रसिद्ध शिव मंदिर है. भोलेनाथ, यहाँ ने रावण के पिता विश्वेश्वर जी ने यहाँ पर तपस्या की थी. बहुत प्राचीन मंदिर है, बहुत पुराना है. यहाँ पर जैसे ग्वाल लोग जो आते थे गाय चराने, तो यहाँ पर जो गौर लोग थे दूध अचानक से अपने आप टपकने लगता था, एक टीला से बना हुआ था. जब उन्होंने देखा आगे तो यहाँ पर शिवलिंग थे और रावण के पिता ने विश्वेश्वर ने यहाँ पर बहुत तपस्या की. उसी के कारण से जब ये सब जाना गया तो शिव प्राचीन मंदिर यहाँ पर बनवाया गया और इसी से लोग भयभीत हुए, फिर लोग आने लगे यहाँ पर. ऐसे ही एंड गाइज, मैं भी मंदिर के बारे में थोड़ी सी हिस्ट्री पढ़ के आई थी, तो मैं भी क्यों ना आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ इसके बारे में. ये मंदिर देश की राजधानी दिल्ली से लगा हुए गाजियाबाद में स्थित श्री दुर्गेश्वर नाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है. यहाँ की मान्यता है कि इस पवित्र स्थल में तेतरा युग में लंकापति रावण के पिता ऋषि विश्ववा ने कठोर तप किया था. इस मंदिर का पुराणों में भी काफ़ी ज़्यादा जिक्र हुआ है कि यहाँ पे रावण ने खुद आके भगवान शिव की घोर तपस्या पूजा रचना की थी. लेकिन समय के साथ हर नदी से हिरण्य से हिंडन नदी हो गया और हिरण्यगर्भ से दुर्गेश्वर मंदिर बन गया. रिटर्न हिस्ट्री के हिसाब से इस मंदिर की जो खोज हुई थी वो 3 नवंबर 1454 में हुई थी, मतलब कि इस मंदिर की जो स्थापना है वो 564 साल पहले हुई. माना ही जाता है कि मुगल एम्पायर के टाइम पे इस मंदिर को लूटा गया था और फिर तोड़ दिया गया था और जो भी लोग इसके अगेंस्ट गए थे उन सारे लोगों को मार भी दिया गया था और इस मंदिर के सारे नामोनिशान भी मिटा दिए गए थे. मंदिर के टूटने के बहुत सालों बाद यहाँ पे केला नाम के गांव से एक गाय चरने आती थी. टीले के ऊपर आते ही गाय के सन से बहुत दूर गिरने लगता था. गांव वालों ने जब ये चीज़ देखी तो उन्होंने यहाँ पे खुदाई करवाई. खुदाई करने के बाद उन्हें यहाँ पे एक शिवलिंग मिला. एंड गाइस, ये जो गांव है केला नाम का वो आज भी है और उसका नाम अब चेंज हो गया है केला भट्टा के नाम से.
और वो बिल्कुल साइड में ही है इस मंदिर के, और तभी सारे गांव वालों ने मिलके इस मंदिर का नाम दुर्गेश्वरनाथ मंदिर रख दिया था। एंड गाइस, ये स्टोरी मुझे सुनने में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ही रियल लगी। और इस शिवलिंग को स्वयं दिव्य शिवलिंग माना जाता है, और आर्कियोलॉजिस्ट के हिसाब से ये मंदिर की स्थापना लंकापति रावण के पिता विश्व मुनि ने की थी, और खुद रावण यहाँ पूजा करने आता था। एंड गाइस, माना जाता है कि यहीं पे बैठ के रावण ने काफ़ी बड़ा यज्ञ किया था, और इसी हवन कुंड में भोले बाबा प्रकट हुए थे, और इसी हवन कुंड में आज तक भोले बाबा के लिए बहुत बड़ा यज्ञ किया जाता है शिवरात्रि के टाइम पे। सो गाइस, अभी हम लोग हैं इस मंदिर के बरामदे में, और यहाँ पे आप बहुत बड़ा पीपल का पेड़ देखेंगे। ये जो पीपल का पेड़ है वो बहुत साल पुराना है, और आप खुद देख सकते हैं कितना बड़ा है और कितना ज़्यादा फैला हुआ है। और यहीं पे ही कलश से सूर्य को जल प्रदान किया जाता है। और ये है 16 पीठा दिशा, यहाँ ऋषि देवों ने समाधियाँ आंगन में ही ली थी। यहाँ ये भी माना जाता है कि अगर कोई यहाँ सुबह देर तक सोता है तो यहाँ खुद जो समाधि लिए हुए संत हैं वो खुद जगाने आते हैं, और ये काफ़ी डराने वाली चीज़ है, लेकिन काफ़ी लोगों ने ये चीज़ एक्सपीरियंस की है। सो गाइस, अभी हम लोग हैं राम भवन में, और माना ये जाता है कि जो भी इस राम भवन में आके पूजा करता है वो इस कुएं की पूजा ज़रूर करता है। और ये भी माना जाता है कि इस कुएं का पानी कभी मीठा लगता है तो कभी गाय के दूध के जैसा स्वाद आता है। और यहाँ पे जितना भी दूध चढ़ाया जाता है शिवलिंग के ऊपर वो सारा इकट्ठा हो जाता है इस कुएं में, और आप यहाँ से इस कुएं में से मटका डाल के निकाल सकते हैं उस दूध को, प्रसाद के तौर पे अपने घर भी ले जा सकते हैं। यहाँ पे दुर्गेश्वर मठ मंदिर भी है, और यहाँ पे साईं बाबा की मूर्ति स्थापित की गई है। आप लोग यहाँ आके साईं बाबा के भी दर्शन कर सकते हैं। एंड गाइस, हिस्ट्री के हिसाब से यहाँ छत्रपति शिवाजी खुद दर्शन करने आए थे भोले बाबा के। उन्होंने यहाँ मंदिर में दो बेटे दी थी, जिसमें से एक बेटा है ये हवन कुंड। ये हवन कुंड उसी टाइम का बना हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे वेद विद्यापीठ भी है, जिसको श्री शंकराचार्य जी ने बनवाया था 2002 में। यहाँ पे देश से कई राज्यों से 50 छात्र आते हैं और अध्ययन करते हैं। एंड गाइस, ये फ्रंट व्यू है यज्ञशाला का, जो कि श्री छत्रपति शिवाजी महाराज ने बनवाया था। गाइस, शिवाजी महाराज ने जो दूसरी भेंट दी थी इस मंदिर में वो ये मेन गेट है। ये मेन गेट भी उन्होंने ही बनवाया था। इस गेट की जो स्पेशलिटी है वो ये है कि ये एक ही पत्थर पर तराशा गया है, और यहाँ पर जो आप गणेश जी देख रहे हैं वो भी उसी पत्थर में तराशे गए थे। और यहाँ पे काफ़ी सारे महोत्सव मनाए जाते हैं हर साल, और जो सबसे बड़ा फेस्टिवल जो मनाया जाता है यहाँ पे वो ऑफ कोर्स शिवरात्रि है। यहाँ पे काफ़ी लंबी लाइन लगती है, काफ़ी दूर तक, कभी कभी यहाँ पे नंबर भी नहीं आता है लोगों का, और 4 बजे से लाइन लगना शुरू हो जाती है। इसी के साथ अब मैं घर वापस चलती हूँ, एंड जितनी भी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको दी है होप आपको थोड़ी सी अच्छी लगी होगी। सो गाइज, मुझे आप लोगों के साथ एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ शेयर करनी थी। हुआ ये कि मेरे पापा के एक फेक फेसबुक अकाउंट बना दिया गया था, और उस बंदे ने सबको टेक्स्ट कर दिया था कि उन्हें 10,000 या 12,000 की नीड है और ट्रांसफ़र कर दे। अकाउंट नंबर भी उसने शेयर किया था उसी मैसेज में, और एक अंकल ने ट्रांसफ़र कर भी दिया था बिना कंफर्म किए पापा से। और ऐसे फ्रॉड बहुत सारे होते हैं सोशल मीडिया पे, तो प्लीज़ आप लोग भी ध्यान रखिएगा आगे से कि कभी आपको ऐसे मैसेजेस आते हैं तो
तो आप डायरेक्टली ही पूछे उस बंदे को कॉल करके कि उसको नीड है मनी की या नहीं। अगर है तो आप तभी ट्रांसफ़र कर दीजिएगा, और अगर नहीं है तो आप उस चीज़ को रिपोर्ट कर सकते हैं। अब हो ये गया है कि हम लोग रिपोर्ट भी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारी साइड से पैसा ट्रांसफ़र किया गया है, और वो बंदा पकड़ा भी नहीं जाएगा क्योंकि साइबर क्राइम वाले भी ज़्यादा रिस्पॉन्ड कर नहीं रहे हैं इन सब चीज़ों पर। तो आप लोग अपनी साइड से प्रिकॉशंस ले सकते हैं कि आप लोग ध्यान रखें, कभी भी किसी को पैसे ट्रांसफ़र करें तो पहले उससे पूछें कि उसको पैसे की नीड है या नहीं। थैंक यू सो मच गाइस, मेरे चैनल के 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट हो चुके हैं और आप लोगों ने इतना लव एंड सपोर्ट किया है, थैंक यू सो मच। और मैं ये ब्लॉग यहीं पे एंड करती हूँ। होप आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। टू योर ब्राउन गर्ल।